बड़ी खबर चल रही है वो आपको बताएं, जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बस कुछ ही वक्त में आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट सेल्वा को, जो कि विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार थी, उन्हें हराया है। बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, मार्गरेट सेल्वा को 182 वोट मिले, मतलब बड़े अंतर से हराया है जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट सेल्वा को। हर कोई यही उम्मीद लगा रहा था, समीकरण भी कुछ यही बैठ रहे थे कि जगदीप धनखड़ अगले उपराष्ट्रपति देश के होंगे। तस्वीर वही लगभग सामने आई है, देखना सिर्फ यह था कि जीत का अंतर कितना बड़ा होता है। अहम खबर, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जीत चुके हैं, देश के अगले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे, ये बड़ी खबर। मार्गरेट सेल्वा को महज 182 वोट मिले, बस कुछ ही वक्त में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर हम बता रहे हैं, लेकिन वोट शेयर जो है वो चूंकि सामने आ चुका है, तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत और देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ काबिज होंगे, यह अहम खबर। और कुछ ही वक्त के बाद देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो अब डिटेल में और औपचारिक ऐलान जो होता है, आधिकारिक ऐलान जो होता है, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी में अब आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, औपचारिक ऐलान हो जाएगा अगले राष्ट्रपति देश के जगदीप धनखड़। वोट परसेंटेज क्या है, वोट कहीं कुछ खारिज तो नहीं हुए कुछ सांसदों के, ये तमाम स्थिति जो है वो अब स्पष्ट हो जाएगी। आपको फिलहाल दिखाई दे रहे हैं उत्पल कुमार सिंह, जो कि लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है, रिटर्निंग ऑफिसर है, अब आधिकारिक तौर पर ऐलान उन्हीं की तरफ से किया जाएगा। जगदीप धनखड़ को हालांकि कितने वोट मिले, मार्गरेट सेल्वा के हिस्से में कितना वोट शेयर गया है, वो पहले सूत्रों के हवाले से खबर आपको हम बता चुके हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण। क्या सिनेरियो पूरा रहा है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान, वो अब आप सुनिए। 5 जुलाई 2022 In all 50 nomination papers were received till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Jagdeep Dhankar and Srimati Margaret Alva were found valid. The polling for the 16th Vice Presidential Election 2022, which commenced at 10 a.m. today in the Parliament House, closed at 5 p.m. Out of 780 electors comprising of elected and nominated members of Rajya Sabha and elected members of Lok Sabha, 725 electors cast their votes. The total elector turnout was accordingly 92.94%. The ballot box was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers.